नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र और आप देख रहे हैं स्वराज में। 2 साल 2 माह के लंबे इंतजार के बाद हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया गया। जी हां, इसमें 2 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। भाजपा कोटे से हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता और जजपा कोटे से टोहना के विधायक देवेंद्र बबली को मंत्री पद दिया गया। दोनों मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री की पद दी गई। दोनों मंत्रियों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला की मौजूदगी में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शपथ दिलाई। डॉक्टर कमल गुप्ता ने हिंदी में और देवेंद्र बबली ने संस्कृत में शपथ ली। दरअसल हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत पहले होना, लेकिन किसान आंदोलन और कोविड की वजह से इसका विस्तार अब जाके हुआ। हरियाणा में 90 सदस्यीय विधानसभा में कुल मिला के 14 मंत्री हो सकते हैं। अभी तक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्री थे। कमल गुप्ता व देवेंद्र बबली के शपथ ग्रहण करने के बाद मनोहर कैबिनेट पूरी तरीके से पूर्ण हो गई। फरवरी मार्च में हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र है, जिसमें यह भी कयास लगाई जा रही है कि राज्य मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव हो सकता है। हरियाणा मंत्रिमंडल के विस्तार के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।